दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो 13 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 24 शिफ्ट का सलूशन करा दिया है जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और साथ में प्रीवियस ईयर जितने एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं जीके के क्वेश्चन उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। और स्टैटिक जीके का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सभी को रैंकिंग में सजाना था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 और दिया हुआ है, सभी में 3 दिया हुआ है, यानी कि पहले 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में देखिए 2, 4 और 5 दिए, 2, 4, 5 चेक करेंगे, 2, 4 और 5, तो देखिए तीनों में एम दिया हुआ और तीनों में ओ, उसके बाद देखिए आर तीनों में दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें टी दिया हुआ है, उसके बाद देखिए इसमें भी टी है और इसमें आर है, तो पहले क्या हो जाएगा आर वाला आएगा, उसके बाद देखिए 3 के बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस रो में चेक करेंगे 5 और 4 को, तो 5, 4 चेक कर लेंगे, ये दोनों नीचे वाला जितना है 5, 4, तो दोनों में देखिए आर दिया हुआ है, उसमें भी टी दिया हुआ है, यानी कि 5, 4 तो हो चुका है, उसके बाद सिर्फ क्या बच जाएगा 4 ही होगा, तो 3, 5, 4 हो गया। उसके बाद देखिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया हुआ 3, 5, 4, नहीं होगा तो उसके बाद आगे चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 3, 5, 4 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 3, 5 यहाँ पर 2 दिया हुआ, यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए 3, 5, 4 किसी में नहीं, यानी कि इतना ही चेक करने के बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, दीपक, गुरु किरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। वे इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। यहाँ पर पहले एक वर्ग बना लेंगे, यहाँ पर 4 बोला गया है और ये सभी मध्य में बैठे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है विक्रांत जो है दीपक के दाई और ठीक बगल में, अगर हम दीपक यहाँ पर बैठा लेंगे तो ये दाई इस तरफ होगा, दाई और ठीक बगल में विक्रांत यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कहा गया शाहिद विक्रांत के सामने बैठे, यानी कि विक्रांत के सामने कौन हो जाएगा, शाहिद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा एक बच गया, गुरु किरण, यानी कि जी से उसको बता देंगे गुरु किरण को, यहाँ पर देखिए गुरु किरण के बाई और कौन बैठा, गुरु किरण के बाई इस तरफ होगा, यानी कि बाई कौन हो जाएगा, यानी कि विक्रांत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक का बटन आप लोगों के लिए ही दिया गया है तो लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए एनालॉजी के क्वेश्चन देखिए 28 से 60 किस प्रकार हुआ, देखिए अगर हम 28 को यहाँ पर डबल कर देंगे, 28 दुना कितना होता है 56 होता है, और 56 में हम +4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 33 कितना होता है 70, कितना हो गया 33 का डबल कितना होता है 66, 66 में +4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 70। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम 41 का कितना होता है दोगुना कितना होता है 41 का दोगुना 82 होता है, 82 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे कितना हो गया 86 हो गया। यहाँ पर सभी का डबल करके +4 किया गया आंसर आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाएं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कि टी इस तरफ चलाएगा और एच इस तरफ चलाएगा, तो यहाँ पर टी जो है या फर्स्ट में देखिए टी इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर एच दिया हुआ सेकंड में ये गलत हो जाएगा, इसमें भी एच दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा, और ये हमें चेक करना है 1 नंबर और 3 नंबर चेक करना है, तो इसके दोनों में सेम है ओ, उसके बाद ई है और यहाँ पर ई है और यहाँ पर 4, देखिए इसमें यहाँ पर 9 नंबर में देखिए यहाँ पर टी के बाद ओ है, ओ के बाद यहाँ पर 9 नंबर, तो 9 होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, कुछ चम्मच प्लेट, यानी कि कुछ चम्मच जो है प्लेट, यानी कि हम कुछ चम्मच प्लेट हो गया, इसको हम प्लेट से हम पी से डिनोट कर दिया, चम्मच को सी से या च से डिनोट कर दिया, उसका कुछ प्लेट गिलास, यानी कुछ प्लेट जो है गिलास, यानी गिलास को हम जी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास जो है ये चम्मच नहीं है, ये हो भी सकता है या नहीं हो, यानी कि ये अस्पष्ट है, यानी कि ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर यहाँ पर आ जाए दोनों के बगल में तो यहाँ पर हो भी सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, देखिए कोई भी प्लेट जो है चम्मच नहीं है, यह ऐसा बारे में कहा गया, यानी कोई भी प्लेट जो है चम्मच नहीं है, ये बिल्कुल है, देखिए यहाँ पर चम्मच के अंदर में, यानी कि फर्स्ट दूसरा निष्कर्ष यहाँ गलत हो जाएगा। उसका तीसरा निष्कर्ष देखिए कुछ गिलास चम्मच, यानी कुछ गिलास जो है चम्मच है, देखिए ऊपर में कहा गया है कुछ कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, और नीचे कहा गया कुछ गिलास चम्मच है, यानी कि देखिए दोनों अस्पष्ट, यानी कि या 1 या सही होगा या 3 सही होगा, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर में देखिए या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, और दूसरा तो यह डेफिनेटली गलत ही होगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्रीप की चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा था, पूर्वी को हम पी से डिनोट करते हैं, वह मेरे भाई, यानी इसके इसका भाई, यानी कि ब्रदर, भाई की पत्नी, यानी कि भाई की पत्नी को वाइफ से डिनोट कर देते हैं, कि इकलौती बेटी, यानी इसकी दोनों की इकलौती बेटी, यानी कि डॉटर डिनोट करते हैं, इकलौती बेटी का दादा, यानी कि इसके दादा और इनके पिता हो जाएंगे, यानी कि फादर, उसके बाद का बेटा है, बेटे का दादा, यानी इसका बेटा एक और हो जाएगा, यानी कि इसका सन लिख लेते हैं, तो पूर्वी का क्रीप से क्या संबंध है, यानी कि ये पूर्वी जो है, यानी एस जो सन जो दूसरा बेटा, यानी कि क्रीप है, तो इसका क्या संबंध है, ये भी इसका भाई है और ये भी इसका भाई है, यानी कि इसकी बहन हो जाएगी, पूर्वी बहन हो जाएगी। यहाँ पर देखे दिए गए चित्र को कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है, इसके कागज को काटने का और खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो हम इसको पहले जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है जस्ट इसके यहाँ पलट जाएगा और ये फिगर जस्ट इसमें पलट जाएगा, तो ये पलटने के बाद इसमें आने के बाद ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो गोला दिख रहा है एक छोटा सा, ये सभी चारों को यहाँ चारों में आ जाएगा, यानी कि चारों को जस्ट बगल में आ जाएगा, चार गोला और जस्ट ऐसा ऐसा, यानी कि आयत जो ऐसा प्रकार बनेगा, ये कुछ चतुर्भुज के टाइप का बन जाएगा और इसके बीच में चार गोला हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो इसमें देखिए 2 ही गोला दिया, यानी कि 4 गोला होना चाहिए, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन, देखिए यहाँ पर 4 गोला तो ठीक दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर जो आयत जो है ये प्रकार, ये इसमें यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पर फोर्थ में देखिए, यहाँ पर जस्ट में देखिए यहाँ चारों यहाँ पर आयत तो ठीक दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये गोला जो दिया हुआ है ये गलत ढंग से दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ फोर्थ देखिए ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर सभी आयत यहाँ बिल्कुल सही है और ये गोला जो है एक वर्ग बनाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का क्या होगा, देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है पर्वत है, तो नोबेल क्या है, नोबेल एक पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन का करने का सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर सभी लेटर को काउंट करें, कितना लेटर, सभी लेटर यानी कि 21 लेटर, यानी कि ऐसा कौन सा पेयर बनेगा, सात और तीन का पेयर बनेगा। तो पहले बड़े से चेक करना है, तो पहले सात का देखिए, दो दो चार दो छः यानी सात यहाँ पर आ जाएगा, उसको देखिए यहाँ पर दो दो चार पाँच छः सात यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि देखिए पहले पी से शुरुआत हो रहा है, यहाँ भी पी से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पर भी पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सात यानी कि टी से पहले क्या होगा, देखिए टी से पहले इसमें किसी में टी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी के बाद यहाँ पर यू है, तो डी के बाद यू हो गया, और यू के बाद देखिए यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी हो गया, यानी कि लास्ट तो हमारा फिल हो गया, अब बीच वाले को फिल कर लेंगे। यहाँ देखिए पी से यहाँ तक हो गया, डी के बाद यू के बाद क्या हो जाएगा, यू के बाद देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी हो जाएगा, लास्ट में टी हो जाएगा, उसके बाद देखिए पी आर के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और डी हो जाएगा, यानी कि सभी को इक्वल फिल कर लिए, उसके बाद सभी को लिख लेंगे ओ डी टी पी सी टी यू सी, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टी छूट गया था, यहाँ पर टी लिख लेंगे, और सभी को इक्वल आपको कुछ नहीं करना है, बस पेयर बनाना है, सात का बन गया पेयर, और सभी को यहाँ पर इक्वल सभी को फिल करना है, और बारीकी से सबका आंसर लिख के मिला लेना है, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन, देखिए बी से डी कितना हुआ, यहाँ पर देखिए बी सी डी प्लस दो हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर डी से एफ कितना हुआ, प्लस दो हुआ, उसके बाद एफ से क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए के से देखिए एन कितना हुआ, एल एम एन यानी कि प्लस तीन हुआ, उसके बाद हम क्यू से प्लस तीन कर देंगे कितना हो जाएगा, आर एस टी हो जाएगा, उसके बाद देखिए आर से यहाँ भी कितना है, एस टी यू भी प्लस, यानी कि प्लस दो प्लस तीन और प्लस चार, यानी कि सभी तीनों डिजिट में प्लस दो प्लस तीन चार करके सीरीज बनाया गया है, तो हम जेड से प्लस तीन कर देंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस चार कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएंगे, एच टी डी कौन सा ऑप्शन है, थर्ड नंबर है। यहाँ पर देखिए वेन आर एक का क्वेश्चन, देखिए ऐसा उसमें ऑप्शन लेना है जो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करे, तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन मान के लिए चलते ले लेते हैं स्तनधारी, तो स्तनधारी के अंदर में तो मानव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सरीसृप नहीं आएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है ऊपर में, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसका दूसरा लिख देखिए महिलाएं के अंदर में माताएं और बहनें दोनों आएगा, लेकिन यहाँ ऊपर में देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अभियंता निरीक्षण इंजीनियर जो है कोई निरीक्षण हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, विद्यार्थी अंशकालिक और अंशकालिक कर्मचारी और लड़कियाँ, यानी कि कुछ विद्यार्थी अंशकालिक कर्मचारी भी हो सकते हैं या कुछ विद्यार्थी लड़कियाँ भी हो सकेंगी, ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का, यहाँ देखिए क्यू से जे हुआ, जेड से ए हुआ, सी से एक्स हुआ और टी से जी हुआ, यहाँ देखिए कोडिंग का जस्ट विपरीत बताया गया है, तो उसी प्रकार एम का विपरीत कितना होता है, एन होता है, आर का कितना होता है, आई होता है, डी का कितना होता है, डब्ल्यू होता है, वाई का कितना होता है, बी होता है, यानी कि एन आई डब्ल्यू बी कौन सा ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। आपको कोडिंग को याद कर लेना चाहिए, जैसे कि आप सभी को पहले लिख लीजिए ए बी सी डी से जेड तक लिख लीजिए, उसके नीचे एक से दो तीन से लेकर 26 तक लिख लीजिए, और ए का वन बी का दो सी का तीन ऐसे करके याद कर लीजिए, आपको आसानी से कोडिंग का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो देखिए ये वाला फिगर देखिए इसमें जस्ट यहाँ पर ये पूरी तरह से आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए इस वाले नीचे में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, देखिए ऐसा ये रेकरिंग जो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेकिन इस वाले बॉक्स में ऐसा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जस्ट इसके सामने होना चाहिए, यानी कि इसमें देखिए ऊपर वाले में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ना इसके बीच का रेकरिंग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर ये छोटा हुआ है, यानी कि ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक है, और ये देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन ही पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में स्टोर को इस प्रकार लिखा गया है, प्योर को इस प्रकार लिखा गया है, तो एस्योर्ड को किस प्रकार लिखा जाए, अगर देखें यहाँ पर एस का कोडिंग के रूप में कितना होता है, एस का 19 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा गया, अगर इसका विपरीत करते तो एस का विपरीत कौन सा होता है, एच होता, और एच का कोडिंग कितना होता है, 8 होता, बिल्कुल सही है। टी का कितना होता है, विपरीत जी होता है, और जी का कितना होता है, 7, यानी कि 7 भी बिल्कुल सही, यानी कि इसका स्टोर जिसमें जो सभी लेटर को यहाँ पर विपरीत करके उसका डिजिट लिखा गया होता है, उसी प्रकार एस्योर में भी उसका विपरीत करेंगे और उसका डिजिट लिख देंगे। ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत यानी कि जेड होता है, और जेड का कितना होता है, 26 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस है, एस का कितना होता है, एच होता है, एच का कितना होता है, 8 होता है, यानी कि डबल एस डबल 8 हो गया। उसके बाद देखिए यू का कितना होता है, एफ होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद आर का आई होता है, आई का 9 होता है, ई का कितना होता है, वी होता है, वी का 22 होता है, और डी का कितना होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है। ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, 26 डबल 8 6 9 डबल 2 और 23। यहाँ पर देखिए एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए 5 वाले फलक के विपरीत पर दिया गया है, 5 का विपरीत तो 5 होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक और होगा जिसमें इसमें नहीं दिया, यानी कि 1 से 6 तक दिया, यानी कि 1 से 6 तक कौन है, इसमें तो 6 नहीं दिया, यानी कि 6 हो जाएगा इसके विपरीत में। उसका देखिए यहाँ पर 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और 3 का विपरीत यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 5 के विपरीत में या तो 5 होगा या तो 6 होगा, यानी कि 6 ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कार को एक्स जेड आई लिखा जाता है, टॉप को इतना लिखा जाता है, तो फादर को कितना लिखा जाएगा, और देखिए सी का कोडिंग कितना होता है, यहाँ विपरीत कितना होता है, सी का एक्स होता है, ए का जेड होता है, आर का आई होता है, उसी प्रकार फादर में भी इसको विपरीत कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एफ का कितना होता है, यू होता है, ए का जेड होता है, टी का कितना होता है, जी होता है, एच का कितना होता है, एस होता है, ई का वी होता है, आर का आई होता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन कोडिंग का रहेगा ही रहेगा, तो प्लीज़ कोडिंग के सारे रूल याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कथा निष्कर्ष का क्वेश्चन, देखिए सभी नर्स डॉक्टर, तो सभी नर्स को हम इस पर नर्स को एन से डिनोट कर देंगे, सभी नर्स क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर को हम डी से डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखिए सभी डॉक्टर डिजाइनर, सभी डॉक्टर जो है ये डिजाइनर, डिजाइनर को हम डी आई से डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखिए कुछ नर्स आर्किटेक्ट है, यानी कि कुछ नर्स जो है ये आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट को हम ए से डिनोट कर देंगे, नर्स के अंदर में आना चाहिए और ये तीनों को भी कवर कर लेगा। उसके बाद देखिए निष्कर्ष, देखिए कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट है, कुछ डिजाइनर जो है ये आर्किटेक्ट होगा, यदि बिल्कुल होगा देखिए इसके अंदर में ही आ रहा है, यानी कि कोई फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा। उसके बाद देखिए कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है, ये कोई डॉक्टर जो है आर्किटेक्ट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आर्किटेक्ट वाला पार्ट जो है डी डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर नहीं कहा गया, यानी कि होगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष ही केवल सही होगा।
यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा यहाँ पर फिगर दिया हुआ है किसमें अंतर नहीं दिया, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये पूरी तरह से पलट दिया, ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड में देखिए सेकंड में ये जो फिगर है इसके अंदर में जो रेकरिंग इसके पूरा यहाँ पर अंदर आना चाहिए, भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए ये पूरी तरह से इस साइड घुमा दिया, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा देखिए, क्योंकि पूरा ये तो ये तरह से फिट हो रहा है और इसके अंदर में ये रेकरिंग भी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए फेस्टिवल को इस प्रकार लिखा गया है तो मैजेस्टिक को किस प्रकार लिखा जाए, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एफ का विपरीत यहाँ पर कोडिंग के रूप में यू होता है, तो यू तो मान के चलिए सही है, ई का वी होता है यहाँ पर लेकिन टी दिया हुआ, ये कुछ इस प्रकार ये नहीं होगा, कुछ दूसरा प्रकार है। अगर देखें यहाँ पर एफ का यहाँ पर देखिए जी दिया हुआ है, ई का देखिए यहाँ पर एफ दिया हुआ है, एस का यहाँ पर टी दिया, यानी कि देखिए सभी में एक प्लस करके यहाँ पर इसके अंदर में छिपा दिया गया है, तो उसी प्रकार मैजेस्टिक को हमें चुन लेना है कौन सा कहाँ पर। देखिए देखिए एफ का यहाँ पर जी जो है यहाँ पर देखिए कितने नंबर पर, यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है, एम का यहाँ पर फर्स्ट देखिए एम कितना है, एम है, तो इसका फोर्थ नंबर पर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर होगा। अगर हम इतना ही एन को अगर हम फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं, एन फोर्थ नंबर पर होना चाहिए, फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एन यहाँ पर सेकंड में दिया, गलत हो जाएगा, सेकंड में देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर पर एन, यानी कि ये सही होगा। थर्ड में देखिए एन यहाँ पर दिया ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर एन, यानी कि अगर हम एन सिर्फ अगर क्लियर कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन इतने ही से चेक हो जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 7 से 13 कितना हुआ, प्लस 6 हुआ, उसके बाद देखिए 13 से 25 कितना हुआ, प्लस 12 हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 से 43 कितना हुआ, प्लस 18 हुआ, तो यहाँ पर समझ गए, देखिए 6 का यहाँ पर पहारा दिया हुआ, 6 दुना 12 देखिए 6 का 12 36 18 6 24, यानी कि इसके बाद कितना आएगा, प्लस 24 होगा, 43 में अगर हम प्लस 24 कर दें इसमें प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, 67 हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक का बटन इसीलिए दिया जाता है कि आप उसको लाइक करें, और आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं पसंद तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिसलाइक मत कीजिएगा, तो 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और 1 असंगत का चयन करता है, ऐसे क्वेश्चन हमने बताया कि लास्ट चेक करना है कितना प्लस और कितना माइनस, अगर नहीं हो तो उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉप देखेंगे कैसे सही होगा। यहाँ पर देखिए ओ से कि टी कितना हुआ, पी क्यू आर एस टी, यानी कि प्लस 5 हुआ, उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर पी करने के बाद प्लस 5 आ रहा है, यानी कि जे के एल एम एन ओ पी एन प्लस 7 हुआ, यानी कि ऐसा नहीं बनेगा, यानी कुछ दूसरा प्रकार इसमें लगा है। अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए ओ दिया हुआ, इसमें आई दिया हुआ और इसमें ओ दिया, यानी कि देखिए सभी में बीच बीच में या भवल दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, देखिए इसमें भवल कहीं पर नहीं दिया, यानी कि यही असंगत संख्या होगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हुए, यहाँ पर देखिए पीठ बोला गया है, यहाँ पर यही पर बच्चे का गलत हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत करके आएंगे, केंद्र की ओर किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा और किसी के पीठ की ओर बोला जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 8 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी सीट को आमने सामने एकदम बैठाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर जो है एम के बाईं और ठीक बगल में बोला गया था, आर जो है एम के बाईं, तो यहाँ पर बाईं बोला गया तो दाईं लिखेंगे, देखिए एम के यहाँ पर बोला गया है बाईं ओर, यानी कि इसके दाईं तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया पीठ बोला गया है, तो एम के बाईं और ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो पी के बाईं और दूसरे स्थान पर, एम जो है पी के बाईं यहाँ पर बोला गया है बाईं, तो यहाँ पर दाईं हो जाएगा इस तरफ, तो यानी कि इसके दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा फर्स्ट और 2, यानी कि एम हो गया ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर के जो है पी के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो हम इसको बाएं तरफ ले जाएंगे, तो यानी कि चौथे स्थान के 1 2 3 और 4 यहाँ पर के आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखिए क्यू जो है एल और एन के बीच में, हम क्यू यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि 2 सीट यहाँ पर ऊपर में जाएगा, यहाँ पर आसानी से फील हो सकता है, एल और एन के बीच में बैठे, तो हम एन यहाँ पर लिख लेते हैं, एल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए आर जो है एल के दाएं, यानी कि इसके बाएं जाएंगे, तो एल के बाएं यहाँ पर दूसरे स्थान पर आर होगी, यानी कि यहाँ पर एल बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए एम और पी के बीच में कौन बैठा, देखिए एम और पी कहाँ पर है, एम और पी यहाँ पर है, उसके बीच में कौन सा है, यहाँ पर एक सीट बचा हुआ, यानी कि ओ बचा, यानी कि ओ बैठ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 फिक्स रहेगा, तो प्लीज़ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग होगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, देखिए एक अर्थ जोड़ दिया हुआ, बी अर्थ घटाव दिया हुआ, सी अर्थ गुना दिया हुआ, डी अर्थ भाग दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से समीकरण को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना होता है, इसको मैंने पहले ही लिख लिया सभी को, यहाँ पर इस सभी का साइन चेंज करके, देखिए यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे, देखिए 36 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 से, कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18, उसका देखिए मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना हो जाएगा 18 54 हो जाएगा, तो 54 का यहाँ पर ये माइनस में आएगा, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा और 19 में से 4 कितना माइनस घट जाएगा, यानी कि 15 प्लस का होगा, उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 प्लस में और 5 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि 15 2 17, यानी कि 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इतना सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन, देखिए एच सेफ कितना हो, देखिए अगर इस प्रकार इधर से जाए, देखिए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, यानी पर 2 2 जा रहा है, तो एक्स के बाद कितना हो जाएगा 2 करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए के से एल एम कितना है, एल एम एन के प्लस 2 है, उसके बाद हम क्यू से प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आर एस हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए 38 से 51 कितना हुआ और 51 से 64, देखिए ऐसा ऑप्शन नीचे होना चाहिए, तो 38 से 51 जाएंगे तो देखिए प्लस 13 है, उसके बाद देखिए 51 से अगर हम जाएंगे 64 तो यहाँ पर भी प्लस, यानी कि ये दोनों सेम आना चाहिए, उसके बाद ये ऐसा ऑप्शन नीचे होगा, यानी कि अगर देखें यहाँ पर 99 से 54 यहाँ तो घट ही गया, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत होगा। 64 से 120 यहाँ पर देखिए, लेकिन 120 से आगे जाना होगा तो यहाँ पर 90, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 79 से 50 ये भी घट गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। और देखें यहाँ पर 40 से 46 कितना भरा, प्लस 6 भरा, यानी कि प्लस 6 भी आगे करेंगे तो उतना आंसर आना चाहिए, 46 से 6 करेंगे तो 52, यानी कि यहाँ पर दोनों में प्लस 6 और ऊपर में प्लस 13 13 किया, यानी कि ऐसा ही नीचे वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है, इसे आगे का कंटेंट बनाने में मदद मिलता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीडी का 2021 का ऑल 63 का सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, और साथ में एसएससी जी के प्रीवियस ईयर जितने एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।